बकरी की बलि। नंदू के घर में एक काले रंग की बकरी है जिसका नाम मही है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो बड़े ही चुलबुले थे। नंदू की बेटी उन बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी, पर नंदू बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना खिला सके। रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था वो। इस बात से उसकी पत्नी उससे हमेशा चिड़ी रहती थी कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता। अरे क्या तुम हमेशा इस बकरी और इसके मेमने पे अपना समय बर्बाद करते फिरते हो, हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी सेवा कभी तुमने अपने परिवार की नहीं की, बस अब बहुत हो गई। इनकी खातिरदारी छोड़ो और जाकर कुछ अच्छा सा काम धंधा कर लो, जिससे घर में धन आए और हम भी लोगों की तरह कुछ अच्छा अच्छा खा सकें। ना जाने तुम्हें क्या दिक्कत है इन बेजुबान जानवरों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता। अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे ना, तो इससे हमें बहुत सुख प्राप्त होगा। और रही अच्छे अच्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना ही खिला देता हूँ। और भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी समय बदलेगा। नंदू और उसकी बेटी को मही और उसके बच्चों से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को मही एक आंख भी नहीं सुहाती थी। फिर एक दिन की बात है, नंदू की बीवी खेत जा रही थी कि तभी उसे पड़ोसी के घर से खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी और वो रुक के खुशबू लेने लगती है। आहा, पड़ोसी के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। कैसी किस्मत पाई है मैंने, कभी भी अच्छा खाना नहीं मिला खाने को। भगवान ऐसा निकम्मा पति किसी को भी ना दे जो अपनी बीवी को अच्छा खाना भी ना खिला पाए। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यही रुक के खुशबू सूंघ लेती हूँ। नंदू की पत्नी वहीं बैठ के खाने की खुशबू लेने लगती है, तभी अमीर पड़ोसी बाहर आता है और उस पे खूब चिल्लाता है। तुम क्या मेरे घर की ताका झाकी कर रही हो, चोरी करने का तो नहीं सोच रही हो ना? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। पड़ोसी नंदू की बीवी को वहाँ से निकाल देता है। फिर कुछ ही दिन बाद उस पड़ोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है। वो अपनी पत्नी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और झाड़ फूक करवाता है, पर उसकी पत्नी सही नहीं होती। तभी एक तांत्रिक सेठ को बताता है कि उसकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा जिसमें एक काली बकरी की बलि लगेगी। जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का इंतजाम करे। काली बकरी तो गांव में बस नंदू के पास ही थी। सेठ नंदू के पास आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, आ जाइए। पर आज हम गरीबों के घर में कैसे आना हुआ? आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो नंदू, मेरी बीवी बहुत बीमार है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी तभी ठीक होगी जब काली बकरी की बलि लगेगी, और मेरी नज़र में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली बकरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, पर वो बकरी मुझे दे दो। नहीं बाबा, हम अपनी मही को किसी को नहीं देंगे। मैं मही के बिना नहीं रह सकती। हाँ मेरी बेटी, हम मही को किसी को भी नहीं दे रहे, तुम घबराओ मत। देखिए सेठ जी, हम गरीब सही, लेकिन पैसे के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते। आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दें, मैं बकरी नहीं बेचूंगा। नंदू सेठ को बकरी देने से इनकार कर देता है और सेठ को उल्टे पाँव वहाँ से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से नंदू की बीवी नंदू पे बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया, सेठ को बकरी देने से इनकार क्यों किया? सेठ हमें इतने पैसे दे रहा था कि हम आराम से घर बैठ के अच्छा अच्छा खाते। वैसे भी तुम किसी काबिल नहीं हो, बीवी को कुछ उसकी पसंद का खिला पाओ। कैसी औरत हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें मही से दिक्कत है, पर एक औरत होके तुम ये बात नहीं समझ रही हो कि उसके दो बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं। तुम चाहती हो मैं दूध पीते बच्चों को उनकी माँ से अलग करके बलि चढ़ाने के लिए दे दूँ? ऐसा कभी नहीं होगा, पागल औरत। ये बात नंदू की पत्नी भूल नहीं पाती। उसे अच्छा अच्छा खाना था, खाने की बहुत भूखी थी और इतने सारे पैसों का लालच भी था कि बकरी बेच के सेठ खूब पैसे देगा। एक दिन नंदू किसी काम से बाहर जाता है, तभी नंदू की बीवी सेठ के घर जाती है। प्रणाम सेठ जी। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? बकरी देने से तो तुम्हारे पति ने इनकार कर दिया है। हाँ सेठ जी, मैं उसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको बकरी बेचना चाहती हूँ। अभी मेरे पति और बेटी घर पे नहीं है, आप आके बकरी ले जाइए। बस जो भाव आप दे रहे थे उसका दुगना दे दीजिए। दो गुना नहीं, मैं तुम्हें चौगुना भाव दूंगा, बस बकरी दे दो। सेठ नंदू की बीवी को खूब सारे पैसे देता है, जिसे देख के नंदू की बीवी की आंखें फट जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती है। फिर सेठ नंदू की बीवी के साथ मही को लेने उसके घर जाता है। उस समय मही अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है। अरे बस हुआ तेरा दूध पिलाना, चल अब यहाँ से चलती बन।
मैं ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं माँ? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं, शायद मुझे बेच दिया, पर इतने छोटे छोटे बच्चों की माँ को कौन बेच सकता है भला? ना जाने मालिक भी कहाँ रह गए, वरना वो मुझको कभी बेचने नहीं देते। नंदू की बीवी मही की रस्सी खोल के मही को सेठ को सौंप देती है। मही और उसके बच्चे रोते रहते हैं। माँ, हमें छोड़ के ना जाओ। मेरे बच्चों। बच्चे मही के बिना तड़पते रहते हैं। नंदू की बीवी मही को बेचे हुए पैसों से खूब सारा राशन खरीद के लाती है और अपनी पसंद के ढेरों पकवान बना के बाहर बैठ के खाने लगती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। नंदू की बीवी खाना खा रही होती है कि तभी नंदू और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे ये तुम इतने सारे पकवान कहाँ से खा रही हो? क्यों, मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या? हमारे घर में हमेशा रूखा सूखा ही बनता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये पकवान कहाँ से आए? बाबा मही नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। नहीं मिल रही, क्या मतलब है? कहाँ जा सकती है? नंदू और उसकी बेटी मही को हर जगह तलाश करते हैं पर मही कहीं नहीं मिलती। बताओ मही कहाँ है? तुम ही घर पे थी, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था, कहाँ गई मही बताओ मुझे। हाँ, बेच दिया मैंने उसे सेठ को, और सेठ ने इतने सारे पैसे दिए हैं कि तुम सारी उम्र घर बैठे खा सकते हो। माँ तुम कितनी बुरी हो, इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी माँ से अलग कर दिया, वो भी बलि चढ़ाने के लिए। अगर मुझे भी तुमसे कोई दूर कर दे तो? ऐसा ना कहो बेटी, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। खुद पे बारी आई तो बुरा लग रहा है, जरा उन बच्चों और उनकी माँ का सोचो जिनको तुमने चंद पैसों के लिए अलग कर दिया। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सेठ तांत्रिक को बुला के अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है। फिर जैसे ही मही की बलि देने वाला होता है कि तभी नंदू और उसकी बेटी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ और इस तांत्रिक को, ये बेजुबान बकरी की बलि दे रहे हैं। नंदू, मैंने इस बकरी के ढेर सारे पैसे दिए हैं, इंस्पेक्टर साहब खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को। ये लो सेठ तुम्हारे सारे पैसे वापस, और हमें हमारी बकरी वापस करो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, एक माँ को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने। तुम पागल हो गए हो सब, पूजा में विधान डाल रहे हो। आप अंधविश्वासी ना बनिए, आपकी पत्नी किसी बलि से ठीक नहीं होगी। आपकी पत्नी को मिर्गी की बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। हाँ सेठ, इस बीमारी का इलाज बस डॉक्टर ही कर सकते हैं, तुम कितनी भी बलियां लगा लो तुम्हारी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। सेठ, तुम्हारी पत्नी कैसे ठीक होगी जब तुम दूध पीने वाले बच्चों से उनकी माँ को छीन के उसकी बलि लगाओगे। अंधविश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाज करवाओ। सबकी बात का सेठ पर असर होता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है। कितना गलत करने जा रहा था मैं आज, अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता, अंधविश्वास में डूब गया था मैं, कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाना है। ये लीजिए, आप इस बकरी को इसके बच्चों के पास ले जाइए। नंदू मही को घर ले आता है और बच्चे अपनी माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद नंदू की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नंदू और उसकी बेटी की तरह मही और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है।